वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा, आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो बर्निंग टॉपिक है वो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्या है, अगर आप चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी पीएससी एग्ज़ाम हो, आप अगर उसका सिलेबस उठाते हैं तो आपको मिलता है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल हाँ, आज हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पर ही बर्निंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है द 100 क्रिकेट लीग। बिल्कुल पहला एडिशन इसका लॉन्च हुआ है, द 100 क्रिकेट लीग। तो हम जानेंगे कि इस नए क्रिकेट लीग को लॉन्च किसने किया है, हमको ये भी जानना है कितनी टीम्स हैं यहाँ पर और क्या क्या नए रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं द 100 क्रिकेट लीग फॉर्मेट के लिए। तो सारी बातों को डिटेल में जानेंगे हम, क्रिकेट के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको लिंक को एक बार शेयर करना होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों के कहने पर आप लोगों के लिए परचम क्लासेस के द्वारा हिस्ट्री की नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका प्लेलिस्ट आपको परचम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आप परचम की वेबसाइट पर विज़िट कीजिएगा, आपको आज की क्लास का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं द 100 क्रिकेट लीग। इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हो चुका है, पहला मैच खेला जा रहा है और इंग्लैंड की तरफ से इस नए फॉर्मेट को लॉन्च किया है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट मैच का नाम, आप लोगों ने वनडे का नाम सुना होगा, T20 का नाम सुना होगा और IPL भी जो है वो T20 फॉर्मेट पे ही काम करता है। लेकिन अब इस नए फॉर्मेट की क्या ज़रूरत पड़ गई, ज़रा हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो टेस्ट मैच हुआ करते थे या वनडे मैच हैं, तो पूरे लंबे लंबे पूरे दिन के मैचेस हैं, 50-50 ओवर के मैच है, काफ़ी लंबा समय लगता है इस पूरे मैच को देखने के लिए। इसलिए हमने क्या लेकर आए, T20 लेकर आए कि 20-20 ओवर का मैच है, जल्दी से ख़त्म करो, निपटारा करो, हो गया। लेकिन उससे भी छोटा यहाँ पर 100 बॉल का, केवल और केवल 100 बॉल का एक मैच लेकर आए हैं, जिसका नाम है द 100 बॉल फॉर्मेट। ठीक है, तो द 100 क्रिकेट लीग जो लॉन्च की गई है वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें हर एक इनिंग्स में केवल और केवल 100 बॉल्स ही डाली जाएंगी, मतलब आप कह सकते हो कि 2 घंटे, 2 आवर से लेकर 2.5 आवर में ये मैच क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों के पास आजकल समय थोड़ा कम है, तो इसलिए इस नए फॉर्मेट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स जो है वो खेलेंगी 8, मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी। बिल्कुल IPL को क्या ये रिप्लेस कर सकता है या नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर 8 है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। ये जो टूर्नामेंट होगा ये इसका पहला एडिशन है, हालांकि 2020 में पहला एडिशन लॉन्च होना था, लेकिन ड्यू टू द पैंडेमिक COVID-19 के कारण लॉन्च नहीं हो पाया था, इसलिए हाल ही में 2021 में इस नए एडिशन को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो राउंड रॉबिन टेक्निक पर ही खेला जाएगा। हालांकि आप लोग क्रिकेट के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर राउंड रॉबिन टेक्निक को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होती है। मान लेते हैं कि 4 प्लेयर हैं जिनको मैच खेलना है, कौन कौन है वो, एक पॉल है, जॉर्ज है, रिंगो है और जॉन है। ठीक है ना, इन चारों को आपस में क्या करना है, मैच खेलना है। तो हो सकता है पहला राउंड जो है वो पॉल और जॉर्ज खेल लें और फिर दूसरा राउंड जो है वो रिंगो और जॉन खेल लें। अब बात आती है सेकेंड राउंड की, तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, अब पॉल को रिंगो के साथ खिला दो और जॉर्ज को जॉन के साथ खिला दो। अब तीसरे राउंड में कौन खेल लेगा, तो तीसरे राउंड में बचे हुए खिलाड़ी खेल लेंगे। समझ में आ रहा है, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी अपन लोगों ने पढ़ी है ना, तो उस हिसाब से अलग अलग पेयरिंग करके आपको इन्हें को आपस में मैच खिलाने हैं और फिर एक स्कोर बोर्ड तैयार होगा। जो जीतेगा ज़्यादा मैच वो ऊपर पे रहेगा और जो नहीं जीतेगा मैच वो नीचे रहेगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो टॉप वाले होंगे वो सेमीफाइनल में जाके चैंपियनशिप की ट्रॉफी के लिए फाइट कर रहे होंगे। ये होती है राउंड रॉबिन टेक्निक, जिसपे आपका ये जो आपका 100 फॉर्मेट है, द 100 फॉर्मेट है, वो काम करने वाला है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया है ECB के द्वारा, मतलब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ नए रूल्स के बारे में, ठीक है ना, क्या इसका फॉर्मेट होगा। मैंने जैसा कि कहा कि यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस नए फॉर्मेट को लॉन्च किया गया है। आपको अगर देखना चाहते हैं तो स्काई स्पोर्ट यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब मैं बात करनी है इसके फॉर्मेट के बारे में, इसके रूल्स के बारे में। हमें देखना है किस तरीके से बाकी सारे मैच के फॉर्मेट से ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, ECB के द्वारा
एक क्लब लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2018 को और उन्होंने मिलके ही इस नए फॉर्मेट को तैयार किया है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है द 100 क्रिकेट लीग, द 100 का मतलब है हर एक की इनिंग्स में जो है वो 100 बॉल होंगी, है ना, दोनों टीम के पास 100 बॉल्स होंगी। अब नॉर्मली आप लोग जब देखते हैं मैच तो एक ओवर में क्या होता है, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ओवर में कितनी बॉल्स होंगी, एक ओवर में यहाँ पर 5 बॉल्स डाली जाएंगी। नॉर्मली एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, लेकिन इस 100 फॉर्मेट में एक ओवर में 5 बॉल डाली जाएंगी, पहली चीज़। अच्छा, आप लोग जब मैच देखते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति आया, उसने एक ओवर फेंका, उसका ओवर खत्म हुआ, फिर दूसरा प्लेयर आएगा, वो अपनी अलग बॉलिंग करेगा, ऐसा ही होता है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक ही व्यक्ति लगातार दो बार ओवर फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में 10 बॉल डाल सकता है, मतलब लगातार कोई भी प्लेयर 10 बॉल मतलब दो ओवर फेंक सकता है, लेकिन उसको इसके लिए कैप्टन से परमिशन की ज़रूरत होगी। तो मैक्सिमम जो व्यक्ति है वो पूरे मैच में 20 बॉल्स डाल सकता है, 20 बॉल्स मतलब हो गया 4 ओवर्स, लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव बात करें, लगातार बात करें, तो लगातार 10 बॉलों को डाला जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक ओवर में 5 बॉल है, लगातार कोई भी प्लेयर 10 बॉल मतलब दो ओवर फेंक सकता है, लेकिन कैप्टन की परमिशन लगेगी, लेकिन पूरे के पूरे मैच में कोई भी प्लेयर केवल और केवल 20 बॉल्स मतलब 4 ओवर्स को ही फेंक सकता है, ऐसा इस आपका जो 100 फॉर्मेट है उसमें कहा गया है। बात ठीक है, अब नो बॉल की बात कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग लोगों को नो बॉल ही लगता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर किसी प्लेयर का नो बॉल फेंका तो आपको उसे एक रन देना होता है और फ्री हिट देना होता है, राइट। यहाँ पर जो 100 फॉर्मेट है उसमें बोला गया है अगर नो बॉल डाली जाती है तो 2 रन मिलेंगे और फ्री हिट मिलेगा। क्या मिलेंगे? 2 रन मिलेंगे और फ्री हिट मिलेगा, और साथ ही साथ सिंप्लीफाई स्कोर कार्ड भी जो है, स्कोर बोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे जो हमारे जनता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल स्कोर कार्ड को यहाँ पर देख सकें। चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइम आउट के बारे में। हर एक बॉलिंग साइड से जो है वो हम स्ट्रेटजीज बनाने के लिए 2 मिनट का टाइम आउट ले सकते हैं। अच्छा, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैच के बीच में जो टीम का कोच है वो मैच के बीच में आ रहा है, प्लेयर्स के साथ नई स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस 100 फॉर्मेट में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बोला गया है कि टाइम आउट के समय जो हमारे कोच होंगे वो मिडिल ऑफ द ग्राउंड में आ सकते हैं, अपने टीम के मेंबर से बातें कर सकते हैं, नई स्ट्रेटजी और टैक्टिक के बारे में बातें कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम आउट के बारे में बातें की गई हैं। चलो अगली बात यहाँ पर कर लेते हैं, पावर प्ले। आप लोग मैच देखते होंगे, हर एक मैच में पावर प्ले होता है। जैसे अगर आप वनडे की बात करो तो वनडे में 10 ओवर का पावर प्ले मिलता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट मैच में पावर प्ले नहीं मिलता। अगर हम T20 की बात करें तो 6 ओवर का पावर प्ले मिलता है। वैसे ही यहाँ पे द 100 फॉर्मेट में आपको 25 बॉल का 25 बॉल्स का पावर प्ले दिया जाएगा। अच्छा, पावर प्ले के समय क्या होगा, जिससे ये अंदर वाला जो सर्कल है ये 30 यार्ड का होता है, मतलब 30 गज का सर्कल होता है, और जब पावर प्ले का समय आता है तो सभी प्लेयर जो है वो इस 30 यार्ड के अंदर आ जाते हैं, केवल और केवल दो प्लेयर जो है वो 30 यार्ड के सर्कल के बाहर रहेंगे, ऐसा पावर प्ले में होता है। तो 25 बॉल का पावर प्ले होगा और पावर प्ले के समय केवल और केवल दो फील्डर्स या दो प्लेयर होंगे जो 30 यार्ड के सर्कल से बाहर होंगे, ऐसा बोला गया है। पावर प्ले के समय ये कंडीशन अप्लाई जाएगी। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, मैच खेलते समय रेनफॉल हो जाती है और मैच को बीच में बंद करना होता है। तो बोला जा रहा है अगर मैच खेलते समय रेनफॉल की कंडीशन हो जाती है और मैच को बीच में बंद करना चाहता है तो रिजल्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे डकबर्थ लुईस मेथड के अकॉर्डिंग। कैसे पहुंचेंगे हम? डकबर्थ लुईस मेथड के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे। नॉर्मली डकबर्थ लुईस मेथड जो होता है इसका रिजल्ट ओवर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओवर वाली तो बात है नहीं, ये तो पूरा का पूरा गेम केवल और केवल बॉल्स पे है, इसलिए अकॉर्डिंग टू बॉल यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा अगर रेनफॉल कंडीशन हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आप लोग ने सुना होगा स्लो बॉल रेट। अब कोई प्लेयर है बॉलिंग कर रहा है और बहुत अधिक समय लगा रहा है, उसको बोला गया है इतना समय है, उस इतने समय में आपको इतनी बॉल डालनी है, लेकिन वो आराम से अपना कार्यक्रम किए जा रहा है, धीरे धीरे बॉल फेंक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्लो बॉल रेट। तो अभी तक क्या होता है सारे फॉर्मेट्स में, अगर कोई टीम स्लो बॉल करती है तो उस पूरी टीम के प्लेयर्स पे एक पेनल्टी इम्पोज की जाती है, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट या मनी जो है वो कंपनसेट करनी होती है, पेनल्टी देनी होती है। तो यहाँ पर इंग्लैंड बोर्ड का कहना है यार पेनल्टी तो सारे प्लेयर दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ रूल बनाया जाए जिससे टीम को नुकसान हो, तभी तो वो इस तरीके से कंडीशंस को अवॉइड करेगा। तो यहाँ पर स्लो बॉल के लिए कंडीशन क्या बनाई गई है कि अगर कोई
प्लेयर स्लो बॉल रेट करता है, मतलब बॉलिंग बहुत स्लो करता है, तो दूसरी टीम को जब हम पावर प्ले खेलते हैं तो पावर प्ले में मैंने आपको सिखाया कि 30 यार्ड के अंदर सारे प्लेयर होते हैं, केवल 2 प्लेयर जो हैं वो 30 यार्ड के बाहर होंगे। अब बोला जा रहा है अगर स्लो बॉल रेट पाया जाता है तो एक और प्लेयर को 30 यार्ड के अंदर कर दिया जाएगा, मतलब फील्डिंग के पास केवल और केवल एक ही प्लेयर रह जाएगा, मतलब जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि फील्डिंग पे केवल एक ही प्लेयर है, तो कैच आउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसको एडवांटेज मिलेगा, ऐसा इस कंडीशन में बोला जा रहा है। बात क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भी मैच को स्टार्ट होते हुए देखा है? मैच जब स्टार्ट होता है तो दोनों टीम के प्लेयर्स या कैप्टन्स आते हैं और ग्राउंड पे पहुंच कर टॉस करते हैं। यहाँ पर भी टॉस होगा लेकिन ग्राउंड पे नहीं होगा, यहाँ पे जो टॉस होगा वो डीजे स्टैंड पे होगा। मतलब आप देख सकते हैं यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या नए नए फॉर्मेट लाए जा रहे हैं, तो डीजे स्टैंड पे यहाँ पे क्या होगा, आपका टॉस किया जाएगा, ठीक है ना। अब टूर्नामेंट कब से कब तक खेला जा रहा है, तो 8 टीम हैं जिस सारे के सारे मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड और वेल्स के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में खेले जाएंगे, और ये मैचेस 21 जुलाई, मतलब शुरू हो चुके हैं, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीच में खेले जाएंगे, 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में ये मैच खेले जाएंगे। और पहला मैच कौन खेल रहा है, तो ओबल इनविंसिबल्स वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल के द्वारा पहला मैच खेला जा रहा है। इस पूरे लीग में 32 मैचेस खेले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाइनल कहां पर खेला जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है मक्का और मदीना, वैसे क्रिकेट का मक्का और मदीना किसको माना जाता है, लॉर्ड्स को, तो फाइनल मैच भी जो है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस बात को याद रखना कि फाइनल कहाँ पर खेला जाएगा, लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 8 टीम है, इनके नाम याद नहीं रखने, आपको केवल इतना याद रखना है कि 8 टीम यहाँ पर खेलने वाली हैं आपकी द 100 लीग में। अच्छा, इस पूरे सेशन में मैंने आपको 2 इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा की है, एक तो है ECB मतलब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो द 100 फॉर्मेट बनाया गया है, जब भी आप कोई नया फॉर्मेट स्टार्ट करते हो तो आपको ICC से एफिलेशन लेना होता है, ICC से परमिशन लेनी होती है, तो बिल्कुल इसको ने भी ICC से परमिशन ली है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ECB और ICC के बारे में। सबसे पहले ECB इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन कब हुआ इसका, 1 जनवरी 1997 में हुआ। एफिलेशन इसको ICC से मिला हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ है, लॉर्ड्स में है, लंदन। चेयरपर्सन कौन है, आइन वेडमोर है। CEO कौन है, टॉम हैरिसन है। और मेंस टीम के कोच कौन है, क्रिस सिल्वरवुड है। अगर हम ICC की बात करते हैं तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सभी लोगों को पता है दुबई में इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, फाउंडेशन कब हुआ था, 15 जून 1909 को हुआ था। चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि चेयरपर्सन कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं, और डिप्टी चेयरपर्सन कौन है, इमरान ख्वाजा हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये तो मैंने पॉजिटिव आस्पेक्ट्स बता दिए, हालांकि काफ़ी सारे क्रिकेटर इस बात को अपोज भी कर रहे हैं कि इस तरीके से इतनी जल्दी जल्दी नए नए फॉर्मेट्स नहीं आने चाहिए, अगर हम इस तरीके से नए नए फॉर्मेट को लॉन्च करते गए तो हमारे जो पुराने फॉर्मेट्स हैं उनकी रेटिंग काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आपने 100 लॉन्च कर दिया और 2 घंटे में मैच ख़त्म हो जा रहा है तो हमारा जो वनडे मैच है उसको कौन देखने आएगा भाई, सबको जल्दी ही समय में काम को ख़त्म करना है। तो बिल्कुल काफ़ी सारे क्रिकेटर्स इस बात को अपोज भी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस लीग में हिस्सा भी नहीं लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन ऑफ द डे पे जाते हैं, जिसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है कि हाउ मैनी पावर प्ले ओवर इन टी ट्वेंटी या फिर IPL, दोनों बात एक ही है। IPL या टी20 में कितने पावर प्ले ओवर खेले जाते हैं, 5, 6, 7 या 10? आपका जो भी आंसर है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आने वाले एग्जाम में ये स्पोर्ट का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे अपने कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा।